लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दूसरे दिन बाद शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रामपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। पायलट ने पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलने का दावा किया है। सचिन पायलट ने कहा कि बस्तर में कवासी लखमा की जीत होगी। देश के बाकी राज्यों से भी अच्छा फीडबैक आ रहा है। जहां बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ होने जा रही है। बीजेपी 400 सीटों का नारा भी जुमला साबित होने जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशी ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाए हैं और बीजेपी को अब एहसास हो गया है कि अब जुमलों से वो नहीं जीत सकते। कई मुद्दे हैं हमारे मैनिफेस्टो के जिसे जनता पसंद कर रही है। पूरे देश में जनता बदलाव चाहती है और इंडिया गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं। वही पायलट ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल का काम जनता ने देखा है। प्रचार और प्रोपेगेंडा से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। हर वर्ग के लिए हमारी गारंटी वक्त की मांग है। पूरे देश में जो बदलाव हो रहा है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी है और यहाँ भी लोग कांग्रेस पर विश्वास कर रहे हैं। लोगों के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव के समय चलता है। कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जाएंगे। बड़ी बात तो ये है कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं।